मेरे पास यहाँ पर पुरानी हार्ड डिस्क ड्राइव, इसकी मैंने मोटर निकाली और यहाँ पर लगा दिया प्रोपेलर। और यहाँ पर मैं देखने वाला हूँ कि इससे हम ड्रोन बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते। और अभी हाल तबीयत खराब हो रही है मेरी, इसलिए यार वीडियो काफ़ी लेट आया है और मैंने फेस भी नहीं दिखाया इस वाली वीडियो के अंदर, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना यार भाइयों। तो भाई आप सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन तो आता ही होगा कि हमारी जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है इसके अंदर जो मोटर होती है BLDC मोटर, उससे हम ड्रोन बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते। तो ये जो क्वेश्चन है मेरे दिमाग के अंदर भी काफ़ी देर से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक एक्सपेरिमेंट ही कर लिया जाए। तो सबसे पहले हमारा जो हार्ड डिस्क ड्राइव है इसको हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद इसके अंदर से जो मोटर है हम यहाँ पर निकाल कर इसको हम चेक करने वाले, अगर इसके अंदर ड्रोन हम बना सकते हैं तो हमें कितना थ्रस्ट मिलेगा, कैसे क्या मिलेगा, सब कुछ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फाइनली यहाँ पर हमारा जो हार्ड डिस्क ओपन हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हो मोटर इसके अंदर लगी हुई है, और मोटर के ऊपर लगी हुई है यहाँ पर डिस्क जो कि एकदम चमचमाती सी है। अब फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे मोटर के डिस्क के साथ में बहुत सारे और कंपोनेंट्स भी लगे हुए हैं, तो इन सभी को हम यहाँ पर ओपन कर देते हैं सबसे पहले। तो फाइनली आप देख सकते हो कि इसके ऊपर से हमें एक नियोडियम मैग्नेट मिली है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप इसी का यूज़ करके कोई जनरेटर बना सकते हो या फिर कोई और चीज़ भी बना सकते हो। ओ भाई साहब, इसके अंदर तो एक और नियोडियम मैग्नेट लगी हुई है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इस इन दोनों का यूज़ करके हम कोई दूसरा प्रोजेक्ट बनाएंगे बाद में, तो हम यहाँ पर इसको फेंकने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती है। एक इसके अंदर से एक छोटा सा बेयरिंग निकला है जो कि हम किसी प्रोजेक्ट के अंदर लगा सकते हैं इसको, तो इन सभी को साइड में रखेंगे, और इसके अंदर जो मोटर लगी हुई है इस मोटर को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। और भाइयों अभी जो है मेरी तबीयत ख़राब हो रही है इसलिए मुझे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा यार देख लेना, ऐसा नहीं कि कमेंट करके बोलो कि यार विशाल भाई आप क्या बोल रहे हो, थोड़ा बोलने में अटक रहे हो ऐसा, तो थोड़ा देख लेना यार भाई, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा मेहनत तक थी आप सभी के लिए, मेरी अभी तबीयत ख़राब हो रही है तो अभी आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हो ये मोटर है, इसके ऊपर की डिस्क हमने हटा दी है, और यहाँ पर जो इस मोटर को निकालने के लिए तीन स्क्रू को हमें खोलना होगा, तो पीछे की साइड से इसको घुमाएंगे और यहाँ पर तीनों स्क्रू को यहाँ पर ओपन कर लेंगे हम। और फाइनली गाइस यहाँ पर हमारी जो मोटर है ये निकल चुकी है, काफ़ी ज़्यादा छोटी सी मोटर है, काफ़ी प्यारी भी दिख रही है आप देख सकते हो, इसके अंदर कोई शाफ्ट नहीं है, डायरेक्टली इसके ऊपर का जो है ड्रम दिया गया है जो कि पूरा का पूरा रोटेट करता है BLDC मोटर जैसे। पीछे की साइड में आप देख सकते हो यहाँ पर चार पॉइंट दिए गए हैं, नॉर्मली जो हमारी मोटर्स होती है BLDC उसके अंदर तीन होते हैं, लेकिन इसके अंदर चार दिए गए हैं, इसके अंदर से एक कॉमन का जो है उसको हम छोड़ देंगे, और तीन पॉइंट जो यहाँ पर है इनके अंदर तीनों वायर को हम यहाँ पर सोल्डरिंग कर देंगे। और भाई आपको देखना है कि कॉमन कैसा होता है इसके अंदर, किस टाइप से हम चेक करें कॉमन कैसा है, तो इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है जिसको आप देखोगे तो उसके अंदर मैंने आपको अच्छे से समझाया है। और यहाँ पर हम एक ESC लेंगे और इस ESC से यहाँ पर इसको चलाने वाले हैं। ESC मैंने खुद ने भी बना रखी है भाइयों, लेकिन क्या है कि यार अभी जो है सारा सामान मैंने साइड में रखा हुआ है, क्योंकि 10 दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई है, तो यहाँ पर जो ये वीडियो बन रही है इसके लिए मैं डायरेक्टली इस ESC का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हो इस मोटर को हम जैसे चलाएंगे तो ये जो है मोटर कोई भी साउंड नहीं करती है, काफ़ी ज़्यादा साइलेंटली चलती है मोटर, और ये जब मोटर चलती है तो दिखती भी नहीं कि चल रही है फिर नहीं चल रही है, तो अभी आपको कोई साउंड नहीं सुनाने में आ रहा होगा क्योंकि यार ये जो मोटर है काफ़ी ज़्यादा साइलेंटली चलती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जायरो इफेक्ट दिखा रही है, जैसे इसको मैं छोड़ रहा हूँ खड़ा करके, तो ये जो है डायरेक्टली नहीं गिर रही है, गोल 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 घूम के गिर रही है, तो इससे हम जायरोस को भी बना सकते हैं भाइयों। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ब्लैक टेप लगा दी है ताकि आपको इसकी स्पीड दिखा सकूँ मैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा स्पीड से घूमती है भाइयों, और यहाँ पर जब मैंने टेप लगाई है इस टेप के कारण यहाँ पर इसके अंदर से साउंड भी बन रहा है। तो यहाँ पर इस मोटर के अंदर हम यहाँ पर प्रोपेलर लगाएंगे आगे, और देखेंगे कि इसके अंदर हमें कौन सा प्रोपेलर से कितना थ्रस्ट मिलेगा, तो उसके लिए यहाँ पर हमें एक जुगाड़ लगाना होगा क्योंकि इसके अंदर कोई शाफ्ट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर शाफ्ट नहीं है तो कोई प्रोपेलर भी नहीं लगा सकते हम, तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मुझे एक जुगाड़ लगाना होगा और इसके अंदर शाफ्ट बनानी होगी। भाइयों मैं इसका जुगाड़ देखता हूँ, इतनी देर में आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना,
तो यहाँ पर अब इसका हम जुगाड़ देखते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, शाफ्ट बनाने के लिए एक नट ले लेता हूँ इस टाइप का। और भाई इसे नट या फिर बोल्ट बोलते हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं कंफ्यूज रहता हूँ नट बोल्ट के अंदर। ठीक है, फाइनली यहाँ पर मैंने इसको सुपर ग्लू से चिपका दिया है और इन दोनों नट बोल्ट के बीच में मैंने प्रोपेलर लगा दिया एक छोटी साइज का। और यहाँ पर इसको हम अच्छी तरीके से टाइट कस देंगे। फाइनली गाइज यहाँ पर हमारा जो है मोटर का सेटअप पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक यहाँ पर जुगाड़ लगाया मैंने ताकि अगर ये उड़ती है, अगर इसका थ्रस्ट ज़्यादा मिलता है तो यहाँ पर ये इस टाइप से उठ जाएगी। ठीक है, फाइनली गाइज अब यहाँ पर इसको हम चलाएंगे। तो फाइनली अभी यार देख सकते हो मैंने 50% इसका थ्रटल दिया तो भी ये उठ नहीं रही है। और फाइनली गाइज 100% यहाँ पर थ्रटल देने पे ये जो है यहाँ पर उठ रही है। और अभी यार मेरे को बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। और देख सकते हो गाइज ये जो मोटर है यहाँ पर फ्लाई कर रही है, लेकिन इसका इतना ज़्यादा पावर नहीं मिल रहा है हमें कि एक पूरे ड्रोन को उठा सके, क्योंकि ये खुद का वज़न ही 100% थ्रटल देने पर उठा रही है तो ड्रोन को कैसे उठा पाएगी। तो एक बार यहाँ पर ट्राई करेंगे, उसके बाद बड़ा वाला इसके अंदर प्रोपेलर लगाएंगे हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है मोटर उठना स्टार्ट हो चुकी है, मतलब ये जो इसके अंदर पावर तो है इसके अंदर, वरना बहुत सारी जो मोटर्स होती है वो खुद का वज़न भी नहीं उठा पाती, लेकिन इसने यहाँ पर अपना वज़न तो उठा लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा बड़ी साइज का यहाँ पर प्रोपेलर लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बड़ी साइज का प्रोपेलर लगा दिया है और यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको नहीं चलाएंगे, क्योंकि इसके जो प्रोपेलर की साइज काफ़ी बड़ी है और मुझे डर लग रहा है कि इसके अंदर जो है नट बोल्ट सुपर ग्लू से चिपका है वो खुल जाएगा तो हमें लग सकती है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे जो मोटर का वज़न है 66 ग्राम है और यहाँ पर मैंने इसको 0 पे सेट कर दिया है। अब यहाँ पर हम इसको चला कर देखेंगे और कितने ग्राम का हमें थ्रस्ट मिलता है यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो फाइनली हमने जो बड़ा प्रोपेलर लगाया है इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो थ्रस्ट मिल रहा है हमें वो 89 ग्राम का हमें मिल रहा है। ठीक है, मैक्सिमम जो हमारा थ्रस्ट है वो 89 ग्राम का इसके अंदर। अभी इसका कम हो चुका है, मैंने इसका जो थ्रटल कम कर दिया है। तो इसके अंदर जो मैक्सिमम हमें बड़े वाले प्रोपेलर के अंदर मिला है वो है 89 ग्राम का। एक बार चेक कर लेंगे इसको, 88 ग्राम, मतलब 89-85 के आसपास इसका हमारा जो है थ्रट। अब भाइयों हम यहाँ पर हमने एक छोटा वाला प्रोपेलर लगाया है और यहाँ पर हम इसका चेक करेंगे। तो छोटे प्रोपेलर के साथ में हमारी मोटर तो यहाँ पर उठ रही थी, तो यहाँ पर इसका जो आप देख सकते हो 49 ग्राम थ्रस्ट हमें मिल रहा है। तो मतलब 49 ग्राम के अंदर हमारी मोटर जो है यहाँ पर फ्लाई कर रही थी, तो हमें 89 ग्राम के अंदर जो है काफ़ी अच्छा थ्रस्ट मिल जाएगा। और अगर इससे हम यहाँ पर ड्रोन बनाएंगे तो हमें क्या करना होगा, इसकी बॉडी को ट्रिम करना होगा, इसकी बॉडी के जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं उनको कट करके फेंक देंगे ताकि इसका वज़न और कम हो जाएगा यहाँ पर। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसके हम ड्रोन बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते। अगर बना सकते तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसके ऊपर ट्राई ज़रूर करूँगा। और ये काफ़ी सस्ता ड्रोन रहेगा हमारा। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय एवरीबॉडीज। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय एवरीबॉडीज़।